हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो है टीनेजर गर्ल्स के लिए, क्योंकि टीनेजर्स गर्ल वो नहीं जानती कि उनकी स्किन का टेक्सचर क्या है, किस टाइप की उनकी स्किन है, ये उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं उस पर ही बात करूँगी, क्योंकि उन लोगों को कुछ सजेशन भी देना चाहिए, और उनके फैमिली में जो उनकी मम्मा वगैरह होती हैं, जो उनकी सिस्टर्स होती हैं, तो उनको भी बता देना चाहिए कि उन लोगों को क्या यूज़ करना है, उन लोगों की बड़ों की चीज़ें यूज़ करनी है, प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ों को उनको भी नॉलेज होनी चाहिए और उनको बताना भी चाहिए इस बारे में कि उनको किस तरह की उनकी स्किन है और क्या उनके लिए सूट करेगा इस उम्र में। क्योंकि 13 एज से लेकर मैं 20 एज तक के लिए मैं बता 18 एज तक के लिए बता रही हूँ कि उन लोगों को किस तरह से अपनी एज का अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए अपनी स्किन के लिए। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ जो टीनेजर गर्ल है उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। चलिए, तो जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं 13 एज से, वो लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, स्कूल जाती हैं वो लोग रोज़, और इस समय उन लोगों की जो वेदर होता है उस समय उन लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर समर्स का मौसम है तो उन लोगों को सन से भी प्रोटेक्शन चाहिए, और जो इतनी धूल मिट्टी भी होती है उससे भी उनको बचना है, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो उनको अपनी स्किन का को जान लेना चाहिए कि उनकी स्किन किस टाइप की है। तो इसके लिए उनको जानने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उन लोगों को एक फ़ेस वॉश यूज़ करना है, फेस को क्लीन कर लेना है अपने फेस को। जब वो क्लीन कर लेंगे और आधे घंटे के लिए उनको छोड़ देना है, ऐसे ही कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कोई भी क्रीम वगैरह नहीं अप्लाई करनी है। उसे उन लोगों को पता चल जाएगा कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या गलत है। तो आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो टीनेज गर्ल वालों को हमेशा फेस वॉश करने के बाद ये देख लेना चाहिए, आधे घंटे के लिए उनको देखना चाहिए, आधे घंटे बाद आपको पता चल जाएगा अगर उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयलनेस आ गया है आपकी स्किन पर, यहाँ पूरे फेस पर ऑयली स्टिकी सा फील हो रहा है, तो समझ लीजिए उनकी स्किन ऑयली है और उनको ब्रेकआउट्स और पिम्पल्स की प्रॉब्लम हो सकती है और होती भी है, इसलिए उस लोग को तो पता चल ही जाता है कि हाँ मुझे मेरी स्किन ऑयली है इस वजह से, क्योंकि उन लोगों को पिंपल होने शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं टीनेज गर्ल के, और इसलिए उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और सेकंड थर्ड है कि अगर उनकी जो बहुत ज़्यादा फेस वॉश के बाद उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंगनेस और ड्राई फील होता है, स्किन खिंचती सी है, तो समझ लीजिए कि उनकी स्किन ड्राई है। और अगर टी जोन एरिया पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है, इधर इस साइड चिक्स पर ड्राई रहता है, तो समझिए कि उनकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, और उनको इस एरिया में और इस एरिया में ऑयल निकलता है, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। और जो कि आप फेस वॉश के बाद कोई भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, ना कोई क्रीम लगाने की या किसी भी तरह की कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो समझ लीजिए, और उनको ऑयलीनेस ऑयल भी नहीं निकल रहा है, खिंच भी नहीं रही है, उनकी स्किन ड्राई भी फील नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए उनकी स्किन नॉर्मल है। तो नॉर्मल स्किन वाले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्किन बहुत ही अच्छी होती है और सभी लोग चाहते हैं कि नॉर्मल स्किन ही हो, लेकिन नॉर्मल स्किन सबकी नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल स्किन होना पता नहीं किसी किसी की होती है, पर ज़्यादा लोग सभी लोगों की नहीं हो सकती, क्योंकि हर टाइप की स्किन वालों के लिए हर प्रोडक्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है आपके लिए, कि आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही कोई भी फेस वॉश लेना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयली वेज के ऑयल जो हट जाए उससे, जो फेस वॉश से, वो वाला फेस वॉश यूज़ करना है। और जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको क्रीमी, जो कि क्रीम बेस्ड वाले हों, ऑयल वाले हों, कि आपकी जो जब भी आप फेस वॉश करें, क्लीन करें अपने फेस को, तो
ऑयल सा आ जाए, मतलब रहे, ड्राई ड्राई फील ना हो, तो उस तरह का आपको फेस वॉश यूज़ करना है। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश अपने हिसाब से खरीद सकते हो। और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो कोई भी फेस वॉश, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप चिकी फ्लावर से अपने फेस को क्लीन कीजिए। चाहे आप सुबह कीजिए, शाम में कीजिए, कभी भी, बस सिर्फ आपको दो बार ही यूज़ करना है कोई भी फेस वॉश, या फिर चाहे मार्केट का हो या फिर आप कोई घर का भी कर रहे हैं फेस वॉश यूज़, तो आपको सिर्फ 2 टाइम्स ही फेस वॉश करना है अपने फेस पर अप्लाई। और जब आप जिक्की फ्लावर से फेस वॉश करेंगे तो आपकी स्किन, जो आपकी ऑयलीनेस होगा वो भी दूर होगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसमें थोड़ा सा रॉ मिल्क मिला लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा और उनकी स्किन ड्राई ड्राई फील नहीं करेगी। ये हर स्किन सूट वालों के सूटेबल हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आप लोग कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहते, क्योंकि टीनेज गर्ल हैं तो इतना नहीं होता कि वो अलग अलग चीज़ें खरीद पाएँ, तो इससे अच्छा है कि आप वो घर की ही चीज़ें जो यूज़ होती है वो आप यूज़ करें। और अगर आप खरीद सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि हिमालय का या फिर बायोटिक का कोई भी फेस वॉश, अगर आपकी पिंपल प्रोन स्किन है तो आप नीम फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट ही आपको यूज़ करने चाहिए। तो और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको मैं बता चुकी हूँ किस तरह के क्रीमी बेस और ऑयलीनेस वाले यूज़ करने चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन पर सभी चीज़ लिखी हुई होती है कि कौन सी स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश है। इसके बाद आती है क्रीम की बारी, तो आपको किस तरह का मॉइस्चराइज लगाना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नज़र आती है और आपके पिंपल्स भी बहुत हैं, तो आपको सिर्फ एलोवेरा ही यूज़ करना चाहिए, सिर्फ एलोवेरा और कुछ भी नहीं। एलोवेरा जो जेल होता है, पतंजलि का एलोवेरा ले लीजिए, आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। एलोवेरा जेल से आप अपने स्किन पे जब अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व भी हो जाता है और आपके पिंपल्स को जो ठंडक भी प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छा सूदिंग इफ़ेक्ट देता है एलोवेरा जेल। तो आपको एलोवेरा जेल, क्यों, एलोवेरा जेल पतंजलि का भी आता है और लैक्मे का एक्वा जेल भी आता है, तो आप इनमें से कोई भी जेल यूज़ कर सकते हो ऑयली स्किन वाले। और जो ड्राई स्किन वाले हैं तो वो कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीन एज गर्ल वालों को, क्योंकि टीन एज जो गर्ल होती है उनके लिए, क्योंकि वो बाहर जाती हैं, स्कूल जाती हैं, हमेशा सन के उसमें रहती हैं, सन उनके ऊपर ही रहता है हमेशा, बाहर जब निकलना है तो उनको सन के एज में आना ही है, संपर्क हो ही जाता है, कितना भी बचे कितना भी कुछ कर लें लेकिन उनको सन प्रोटेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी लोशन ले लीजिए जो सनस्क्रीन बेस पे हो, सनस्क्रीन, क्योंकि बायोटिक का जो आता है ना वो बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन लोशन है, आप उसका ट्राई कर सकते हो। और न्यूट्रोजीना भी बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन लोशन है, वो सिर्फ आपका लोशन ही है, आप क्रीम बेस के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको वो सनस्क्रीन ही लगाना होगा, उसके साथ आपको कोई मॉइस्चर क्रीम भी लगानी पड़ेगी। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आपको सिर्फ एक चीज़ लगानी पड़े और 2 in 1 काम भी हो जाए। तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, और नाइट में हमेशा आपको फेस वॉश करना है, कहीं से भी आए तो आपको फेस को क्लीन जरूर करना है। फेस को क्लीन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई फेस वॉश ही करना है, क्योंकि आपने सुबह फेस वॉश किया है, क्लींजिंग की है, तो आपको हमेशा नॉर्मल वाटर से ही वॉश कर लेना है, क्योंकि 2 टाइम से ज़्यादा आपको फेस वॉश नहीं करना है। तो उसके बाद क्या आता है कि आपको नाइट में क्या करना है, नाइट में भी आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश के बाद आपको क्या अप्लाई करना है, आप जो एलोवेरा की, जो आपका घर में जो एलोवेरा लगा हो उसकी आप एक रोज उसको तोड़ के आप उसको 2 डिवाइड कर लीजिए, 2 हिस्सों में कर लीजिए, और उसका जो जेल होता है वो आप नॉर्मल स्किन वाले भी लगा, हर स्किन टाइप वाले ये लगा सकते हो। और सबसे अच्छा तो ऑयली स्किन वालों के लिए है, जिनको स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं उनके लिए बेस्ट है, आप ये लगा लीजिए रात में
फेस वॉश करने के बाद, और आप इसी तरह से उसको लगा हुआ छोड़ दीजिए, आपके पिंपल्स जो है ना वो बिल्कुल दब जाएंगे, सुबह आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि टीन एजर गर्ल वाल जो होते हैं बच्चे, उनको उनकी स्किन बहुत ही अच्छी होती है, नाजुक होती है, बहुत ही जल्दी रिपेयर हो जाती है, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ कुछ भी रखा हुआ है आपके घर में, आपकी मम्मा का या आपकी सिस्टर का, तो आपको वो अप्लाई कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। जो आपके अकॉर्डिंग है वही यूज़ करिए, सिंपल रहिए, और कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना है। और हमेशा कुछ भी हो जाए, किसी भी समय हो, आपको तीनों चीज़ें करनी है, क्योंकि आपको क्लीन भी रखना है फेस को, मॉइस्ट भी करना है, और अच्छी क्रीम भी अप्लाई करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं कुछ भूल रही हूँ। वैसे आपके लिए मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही बेस्ट है। और जो 18 एज तक के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना चाहिए मेकअप, क्योंकि जब मैं टीन एज गर्ल थी तब मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी, मैं तो कुछ अप्लाई ही नहीं करती थी। ये तो अभी पता चला है कि एलोवेरा जेल, हाँ मैं वो वाला एलोवेरा जेल यूज़ करती थी, जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है वो यूज़ करती थी, और ये वाला एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करती थी। उसके बाद मैं ये एलोवेरा जेल अभी यूज़ करना स्टार्ट की हूँ, मतलब 4-5 साल हो गए। ये एलोवेरा जेल, जो पतंजलि वाला एलोवेरा जेल है, वो सभी मोस्टली सारी गर्ल्स के पास ज़रूर अवेलेबल होगा ही। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं हो तो उनके मम्मा के पास ज़रूर अवेलेबल होगा, तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी लगाने से पहले आपको एलोवेरा जेल लगाना है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ही अच्छी है, तो उस पर ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जा रहे हैं तो आपको, अगर कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, तो बीबी क्रीम से ज़्यादा और कुछ भी अप्लाई नहीं करना है आपको, ना कि आपको फाउंडेशन लगाना है, कंसीलर लगाना, कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। सिर्फ सिंपल रहिए और अच्छे दिखिए, क्योंकि इस जो एज ग्रुप के लोग होते हैं बहुत ही अच्छी स्किन होती है, तो उनके लिए तो, क्योंकि उनकी स्किन अभी न्यू है तो वो बहुत ही अच्छी जल्दी भी रिपेयर भी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा उस पर टाइम नहीं स्पेंड कीजिए। बस सिर्फ आपको दो ही काम करने हैं, फेस वॉश क्लींजिंग पर ध्यान देना है, और अच्छी सी क्रीम, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो ऑयली स्किन वाले हों, नॉर्मल स्किन वाले हों, कोई भी स्किन वाले हों, उनके लिए कोई भी मॉइस्चर वाली क्रीम लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन है तो उनको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑयली स्किन वालों को तो बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आपको जो स्किन से निकल रहा है ऑयल, वो ना निकले, क्लीन फेस के बाद आपको दूसरी क्रीम फौरन लगा लेनी है, थोड़े 2 मिनट के बाद ही, जैसे ही बैठ हो आपका फेस, आपको उसी टाइम पर अपने फेस पर क्रीम लगा लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, टीनेज गर्ल वालों को बहुत ही अच्छा लगा है, और उनकी मम्मा देख रही है, तो उनके लिए अच्छी अच्छी क्रीम लाइए, बायोटिक की हर्बल प्रोडक्ट उनको यूज़ करवाइए, और अच्छी अच्छी चीज़ें उनको खिलाइए, हेल्दी रखिए, अच्छे से उनसे बातें कीजिए, खुश रखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यही आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और तभी जाइएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और आप फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और जो लोग मेरे नया चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल जो रहेगी वो भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो पहुँच जाएगा आपके पास। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता ही है। बाय।